मुझे इस कोलकाता मेट्रो स्टेशन पे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो गाने चल रहे हैं वो तो हिंदी सॉन्ग चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर सब लोग बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हिंदी गाने कैसे समझ में आ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। सुनो ये हिंदी गाने, और अभी आप देखना इनकी जो मेट्रो आएगी कितनी खचाड़ा मेट्रो है, उसे तो हमारा क्या कहते हैं अपने स्टेट का रेलवे सिस्टम भी काफ़ी हार बैठ रहा है। ममता बनर्जी ने यहाँ सब कुछ चाट लिया, पूरा कोलकाता खाली कर दिया, कोई सिस्टम कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ कोलकाता में। अभी मैं आपको रस्ते में दिखाऊंगा कोलकाता के अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है कोलकाता में, कोई प्रोग्रेस मुझे नहीं लगी यहाँ पे। ये मेरे साथ जो बंदा है मेरे को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, मेरे आप हाथ में देखो एक ही है, एक ही आगे वाला बैग है, एक पीछे वाला कैरी बैग है, और इस बंदे का सिर्फ एक कैरी बैग है, मतलब कोई कोऑपरेशन हमें कोई चीज़ नहीं है। अभी वीडियो में दिखाने के लिए बैग ले लिया, अदरवाइज़ ये बैग नहीं लेना, इसने मुझे पूरे रास्ते बहुत परेशान किया है, और जब तक ये दिल्ली नहीं पहुँच जाता तब तक मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। यहाँ विक्टोरिया जाने के लिए जब मैंने मेट्रो स्टेशन में पूछा कि विक्टोरिया जाना तो कौन से मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, तो जो मेट्रो स्टेशन पर वर्किंग एम्प्लॉयज़ है वो मुझे बोलता हूँ मैदान, मुझे समझ नहीं आया मैंने दोबारा कहा मैंने कहा कहाँ उतरना पड़ेगा कितना मैदान, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ओहो ये तो मैदान को मैदान बोल रहे हैं, तो फाइनली मैदान मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं, मैदान और फिर मैदान। तो फाइनली विक्टोरिया पहुँचने से पहले थोड़ी देर यहाँ पे रास्ते में बैठ गए हैं दीवार पे चाय पीने के लिए, चाय पीने के बाद आगे जाएंगे। यार कोलकाता में आप तब घूम सकते हो जब आपके पास कोई लगेज ना हो, यहाँ तो तीन तीन बैग है और तीन तीन बैग के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो रहा है। अब आधा किलोमीटर भी यूँ लगा है जैसे पता नहीं डेढ़ दो किलोमीटर चलना हो विक्टोरिया के लिए, हार्डली 500 मीटर है लेकिन फिर भी यूँ चलने की हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ तक पहुँचने। यार देखो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से ये बिल्डिंग कितनी ऊँची बिल्डिंग है, ओह माय गॉड। और अगर अभी भूकंप आ जाए बिल्डिंग कोलैप्स होती हो तो शायद ही मेरे हिस्से पारी होएगी। मैं तारामंडल देखने, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है क्या है एग्जैक्ट तारामंडल, मतलब अंदर चलते तो पता चलेगा क्या है एक्चुअली तारामंडल। और तारामंडल के जस्ट पीछे बहुत बड़ी ह्यूज चर्च देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखा तारामंडल का एंट्रेंस है, यहाँ पे इतने फ्लावर्स लगे हुए हैं, और आप इसके पीछे देखिएगा ये ह्यूज चर्च जो दिखाई दे रही है, चर्च में क्या हुआ चर्च से मेरा क्या लेना देना, ये देखो आप ये है बिरला प्लांटेरियम तारामंडल। चलो अंदर जाने के बाद बताएंगे, एक्सप्लोर करने के बाद एग्जैक्टली वट। यहाँ पे एंट्री करने के लिए टिकट काउंटर पे काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई है, ये देखिए तारामंडल में, तारामंडल देखने यहाँ पे आई थिंक 3D कॉन्स्टेलेशन होगा पूरा, आपको 3D में पूरा गैलेक्सी भी दिखाई देगा जैसे कि स्टार्स प्लैनेट सब कुछ 3D में बिल्कुल आपके पास से गुजरते हुए दिखाई देंगे। बाकी ये शुरू होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस है ये। स्क्रीन पे दिखाए गए हैं सारे कॉन्स्टेलेशन गैलेक्सी मिल्क वे, बट इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली फोन स्विच ऑफ करा दी तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। सारा मिल्की वे के बारे में डिस्क्राइब किया, आपका वजन और जरूर कितना पिनव्हील गैलेक्सी, इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि कैसे एस्टेरॉयड से मासिव एक्सप्लोजन हुआ और किस तरह से डेवलप हुई थी, कैसे एक्सप्लोजन हुआ था, कैसे डायनासोर का 65 मिलियन ईयर्स आगे डिस्ट्रॉय हुआ था। बहुत
यहाँ पर भी इन्होंने किसी स्टार के बारे में बताया कि कैसे स्टार बना, कैसे यहाँ पर सेंट पॉल्स कैथेड्रल देखने के लिए, जो कोलकाता की सबसे बड़ी चर्च है। और मैं आपको दिखा देता हूँ चर्च को, हैव ए लुक दिस चर्च। नेक्स्ट कोलकाता व्लॉग देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।